Hi everyone, welcome back to the Paathshala by Supreet Dhamija. As I informed all of you that I'll be taking a part 2 of the exam analysis, but we couldn't come live for the class, so here is this video lecture explaining you ki aap aur kaun se part of the questions challenge kar sakte ho for NTA UGC NET exam ki jo ki release hui thi parso raat ko. उसका पार्ट वन ऑलरेडी अन अकेडमी के चैनल पर लाइव हो गया है, सो यू कैन गो एंड वॉच देयर. द होल क्लास ऑफ वन आवर इज अवेलेबल. मैंने 63 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था. सो नाउ आई क्विकली टेक दिस वन 213 आईडी. तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो जेएस मिल है, और इसमें पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बताते हुए जेएस मिल ने किस पे इलेबोरेट नहीं किया था. इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, और डी ही दिया गया है नेट के द्वारा. तो नो यूज ऑफ चैलेंजिंग, द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. कौन सी कंट्रीज में इंडिया ने पीस कीपिंग में पार्टिसिपेट किया था. क्वेश्चन आईडी 256 है. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, एंड ऑल ऑफ द अबव ही दिया गया है. सो अगेन द आंसर इज गिवन एज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 66 देखिए, विच इज फ्रॉम द आईडी 291. ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था जिसमें वी वर डिस्कसिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2. तो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसकी हिस्ट्री का प्रोडक्ट होती है, और जो हमारे कोर नेशनलिस्ट कोर इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो वैल्यूज पैदा हुए हैं वो हमारी IFP बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बिल्कुल, एंड हमारा आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था. ए ही दिया गया है. सो अगेन नो मिस्टेक इन द क्वेश्चन, सब कुछ सही है इसमें. लेट्स मूव ऑन एंड चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन गवर्नेंस की फीचर्स पे था. क्वेश्चन आईडी है 263. इसके क्वेश्चन के जो आप लोगों के सामने ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो. इसके हिसाब से हमें ट्रू बताना है गवर्नेंस के बारे में, इसमें से क्या होगा. अगर आप क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान से देखोगे तो इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट एक ही चीज होती है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो पहले तो हमें डी एलिमिनेट करना है. अगर आप डी एलिमिनेट करने से जाते हो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. अब अगर आप सी देखो इसमें से, तो पावर एक्सरसाइज करने का एक मैनर है, तो ये भी ठीक है. सो हम लोगों का जो कंक्लूसिव आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी निकलेगा, एंड यही आंसर दिया गया है. सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कंजर्वेटिज्म का की फिगर कोई इसमें से नहीं है. जो क्वेश्चन आईडी 245 ऑलरेडी मेरे मेमोरी बेस्ड एनालिसिस में क्वेश्चन डिस्कस्ड है, इसका आंसर होना चाहिए था TH ग्रीन, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है. सो जिन लोगों को नहीं पता कि ये बीच में से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं एनालिसिस क्वेश्चन, इसका पार्ट वन ऑलरेडी अन अकेडमी के चैनल पर लाइव गया है कल रात को, आप देख सकते हैं. नहीं तो आप मेरा नेम सर्च कर लीजिएगा. मोर देन दैट आई एड द वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप पहले वो देख सको. दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी साइड से बोले हैं जो चैलेंज करने लायक है 100% श्योरिटी के साथ, हम उसको कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन दैट, तो अगर आप करना चाहें तो उन क्वेश्चन का भी आपके पास ऑप्शन है. क्वेश्चन आई डी 270 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ICC के ऊपर है, और हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से ICC के करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देखा जाए तो हम लोगों के पास ये वाला ऑप्शन रोम स्टैट्यूट की वजह से ट्रू है, ये वाली लाइन भी ट्रू है, ये वाला ऑप्शन और ये गलत है. तो वील पुट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, ए एंड बी ओनली, और यही आंसर दिया गया था. सो अगेन हमारा जो आंसर बैठता है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहा है. इस क्वेश्चन में एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको कन्फ्यूजन था, मैं क्लियर करवा देना चाहती हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन आई डी 243 है, ध्यान दीजिएगा. Executive bureaucratic arm of European Union is not the same as a political executive arm. या सिर्फ political arm, that is a different thing. Executive में bureaucratic arm कौन सा है? Executive bureaucratic, not political executive. Bureaucracy का जो element है executive में वो किस में मौजूद है? The correct answer of this question should have been option B, European Commission. And European Commission ही दिया गया है. सो इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है. हिंदू राष्ट्र का आइडिया क्वेश्चन आईडी 224 ओरिजिनली किसने दिया था? करेक्ट आंसर होना चाहिए था 71 का ए, VD सावरकर. यह हमने अपने मेमोरी बेस्ड एनालिसिस में ऑलरेडी बता दिया था. ओके वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ओके
उसके बाद हम लोगों के पास आता है कि हमारे यहाँ कॉन्सोसिएशनलिज्म इनमें से कौन से देश में नहीं है। 246 हमारे पास चार ऑप्शंस थे। ऑफ कोर्स आंसर इसका जर्मनी होना था, आंसर दिया भी जर्मनी गया है। सो अगेन रेंडरिंग नो मिस्टेक, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। सो इट्स एब्सोल्युटली राइट। देन लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन ID 295। हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेटमेंट पोर्शन आया था। हर कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसॉफी होती है, ट्रू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, अगेन ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, एंड आंसर की के हिसाब से ए गिवन है। सो यस एब्सोल्युटली राइट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 242 ID, ये स्टेटमेंट आया है सीधा सीधा। अगर आप इसमें से देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें ओवरलैपिंग लग सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें से वेंट नहीं हो सकता, बिकॉज उनका कोई मतलब नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट से। हंटिंगटन का इसमें आइडिया बहुत ही लाइटली आपको दिख रहा होगा, सिर्फ अगर आप पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट वाली साइड जाएंगे तो। बट इसका जो रियल आंसर होना चाहिए वो फ्रांसिस फुकुयामा होना चाहिए। उनकी बहुत फेमस एक कोट है, पार्ट ऑफ हिज वर्क। सो करेक्ट आंसर फ्रांसिस फुकुयामा, और यही दिया गया है। सो अगेन नो मिस्टेक, नो पार्ट ऑफ चैलेंजिंग। इंक्रीमेंटल मॉडल क्वेश्चन ID 236, सबको पता है चार्ल्स लिंडब्लॉम आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन ID 231, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 6 अगस्त को जो बिल है उसे पास कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आईडी आता है हमारा 277, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता मुझे इसे डिस्कस कराने की भी जरूरत है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। द आंसर हैड टू बी ऑप्शन नंबर बी, और बी ही दिया गया है। आप कोई भी मूवमेंट मैच कर सकते हो, आपको अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा। छिपको, अपिको, नर्मदा, कोई भी। ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया था जब मैंने मेमोरी बेस्ड एनालिसिस कराया था। 241 एना टिकनर इसका आंसर है। उन्होंने मॉर्गन थाउ के 6 प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हुए समझाया है। डेमोक्रेटाइजेशन में कौन सा एक डेमोक्रेटिक शिफ्ट नहीं है, क्वेश्चन ID 240। और ऑब्वियसली इसका आंसर मीडिया है, बिकॉज वो कांस्टेंट है, वो एक पहले से ही एलिमेंट अवेलेबल है, उसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 80 फतवाए जहानदारी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन ID 254, ऑब्वियसली इसका आंसर ए ओनली होगा, यानी ऑप्शन बी। 81 देखें, इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करी गई है, अरेंजमेंट है क्वेश्चन ID 282 का। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास शुरू से ही एक ही आंसर बन रहा था, वो था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो मैच ही नहीं हो रहे हैं कोई और। आर्टिकल 19 के अपियरेंसेस हम लोगों को गेस करने थे। क्वेश्चन आईडी है 280, इसका करेक्ट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है वही आंसर है। क्वेश्चन ID 249, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी एंड सी ओनली, क्वेश्चन ID 249 का। बिकॉज हम लोग जो ऑप्शन डी है उसको एलिमिनेट करेंगे, आइडियोलॉजिकल गोल और वायलेंस वाली जो लाइन है वो हमें सूट नहीं कर रही है इसमें। क्वेश्चन 84 जिसका आईडी है 289, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं और हमें ये बात पता है दैट दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, वी नो दिस। ओके, क्वेश्चन 85 में 286 आईडी नंबर है, ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता है। सारे सारे मेथड बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, और बॉयकॉट एक बहुत इफेक्टिव मेथड था। इनको अगर लिंक करके देखेंगे तो एक्चुअली जो आंसर दिया गया वो ऑप्शन ए दिया गया। तो अगर आप लिंक करने की कोशिश करें, स्वदेशी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट थे जो बाल गंगाधर तिलक ने इस्तेमाल किए, क्योंकि बॉयकॉट, सॉरी हाँ, क्योंकि बॉयकॉट उन्हें एक इफेक्टिव मेथड लगता था। तो बात यह है कि इन दोनों सेंटेंसेस में रिलेशनशिप डायरेक्टली कोई भी नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जस्ट बिकॉज दोनों जगह तिलक का रेफरेंस यूज किया गया है और उनके आइडिया को मैच करा गया है, इसलिए इसका रिलेशनशिप ट्रू नजर आ सकता है डायरेक्टली। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो कि एक लुक में स्टूडेंट को लग सकता है कि इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ऑफ तिलक क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पे बैठेगा।
क्वेश्चन आईडी है 252 और हम लोगों के पास पैसिव रेजिस्टेंस का डिफरेंस है सत्याग्रह से बेस्ड। दोनों ये वाली जो लाइंस हैं ये गलत हैं, एक तो ये नहीं हो सकता, ऊपर से ये जो दिया हुआ है ये एकदम ही रेफरेंस में है ही नहीं, दोनों ही पार्ट गलत है इस क्वेश्चन के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी ओनली बिल्कुल सही है, नो नीड टू चैलेंज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर आईडी 273, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था एंड वेरी सिंप्लीफाइड वे में ऑप्शन सी ही दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आईडी 211, आई क्लैरिफाइड ऑलरेडी मैकियावेली के लिए रिपब्लिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन एज आई टोल्ड यू देयर हैज टू बी नो डाउट इन दिस क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद आता है हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आईडी 284। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपके पास बहुत आसानी से ऑप्शंस मैच हो रहे हैं और आपका आंसर जो डी बैठ रहा है एंड डी ही इसका करेक्ट आंसर। आप चाहे पावर एलीट से मैच कर लीजिए, चाहे कहीं से भी मैच करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इंडिविजुअल एनार्किज्म पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईडी 208 है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये होगा ऑर्गेनिसिज्म। कोई क्वेश्चन मेरे से समझना चाहे सो आप मेरे से डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म का साइलेंट फीचर हमको नहीं चाहिए था, सो उसका एब्सेंट उसमें क्या होता है, तो एब्सेंट उसमें ऑर्गेनिसिज्म होता है। पैसेज क्वेश्चंस में से बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप लोगों को ऑफकोर्स रीड करके आंसर करना होता है, सो वॉट आई डिड वॉज आई सॉल्व द पैसेजेस बिफोर। सो क्वेश्चन आई डी 300 है जो, उसका आंसर बहुत सिंपल था, उस क्वेश्चन का आंसर ये होना था बिकॉज पैराग्राफ में सीधा दिया हुआ है कि डेलिब्रेटिव पावर ऑफ सिटीजंस जो है एरिस्टोटेलियन डेमोक्रेसी, ग्रीक डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है, ग्रीक स्टेट्स उनमें विजिबल था। उसके बाद बैक ऑफ पीपल पे क्या होता है आप सब लोगों को पता है, 301 आईडी में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पैराग्राफ में दिया हुआ है कि लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज लोगों के सर के ऊपर और बैक के बिहाइंड में किया जाता है, कंप्लीट किए जाते हैं ऐसे टास्क। उसके बाद हमारे पास आता है कि आउटकम, एक ऑब्वियस आउटकम इलेक्शन का क्या होता है, क्वेश्चन आईडी 299 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑफिस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर हमको देना चाहिए था इन लोगों को ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक इट वॉज गिवन एज ऑप्शन नंबर सी ओनली, सो अगेन नो मिस्टेक, पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ के पांचों क्वेश्चन ही करेक्ट हैं। देन क्वेश्चन आई डी 302, रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बात का प्राउड फील होता है जब वो कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जो डिसीजन है उनसे कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना था, बी ही दिया गया है, नो मिस्टेक अगेन। क्वेश्चन नंबर आईडी 298 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आईडी 298 का अगेन रिप्रेजेंटेशन के फिनोमेना में क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसका आंसर होना था ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। तो इन जो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको भी शो करे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट डॉकिन राइट्स, लिबर्टी, वीक राइट, स्ट्रॉन्ग राइट्स का क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट, ठीक है। तो ये आईडी है क्वेश्चन 307, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जस्ट वन सेकेंड लेट मी शो यू समथिंग। क्वेश्चन आईडी 307 है, एक बार एक क्वेश्चन देखिएगा जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट, वीक राइट। तो अगर हम अपनी ये वाली लाइन देखें, राइट टू लिबर्टी फॉर एग्जाम्पल बिकम्स अ वीक राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के सामने हमें क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि राइट टू लिबर्टी जो एक वीक राइट में तब्दील हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके लिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 307 की आईडी का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आएगा चैलेंजिंग क्वेश्चन, यहां पर आप चैलेंज कर लीजिए, क्वेश्चन आईडी 307 है, जो एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर सी है, जो आंसर गिवन है वो ए है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट टू चेंज द आंसर सो वी कैन अप्लाई फॉर दिस वन। सो दिस कैन बी डन इफ यू गाइज आर विलिंग टू डू इट, तो आप लोग कर सकते हैं। जो राइट स्टेट के अगेंस्ट कंसिडर किए जाते हैं आईडी 304, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स होगा।
उसके बाद आईडी 305 आता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी रेस होगा, ठीक है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो डिवीजन है वो रेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन आईडी 306, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रॉन्ग राइट को क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को इसका आंसर पता है दैट स्ट्रॉन्ग राइट्स नीड टू बी परमिटेड। तो क्वेश्चन आईडी 306 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आता है विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आईडी 308, राइट्स जिनको कॉमनवेल्थफेयर के लिए कर्टेल किया जा सकता है अचीव करने के लिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये लाइन दी गई है, सो इसका आंसर हो गया वीक राइट्स, ठीक। सो फिलहाल जो एनालिसिस हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसके हिसाब से हम लोगों के पास ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम चैलेंज करना चाहते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड दिस कलेक्टिवली एवरीवन दैट वी आर गोइंग टू चैलेंज दीज क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दोज क्वेश्चंस, तो हम लोग उनका जो आपको एक आइडिया है वो नंबर का मैं आपको दे देती हूँ, 287, 290 एंड 307 फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस आर व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू पॉइंट आउट एज द रॉन्ग आंसर्स जो हम लोग चेंज कराना चाहते हैं। यू जस्ट हैव अ वेरी शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू क्लेम दिस क्वेश्चन, सो प्लीज गो अहेड एंड कंप्लीट योर वर्क। एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, फॉर अदर डिटेल्स जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल ऐड द प्रीवियस वीडियो। एंड ऑल्सो दिस इज माई कोड सुप्रीत धमीजा, दैट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई क्लासेज then you can use these codes, because I am going to bring 2 new courses. One is a course on public administration which will come on 11th November 7 PM, and then एक और कोर्स है हमारे पास जो कोर्स है India's foreign policy, वो आएगा 20th November 7 PM. So I'll see you guys then. Thank you so much everyone for watching the video. Bye bye.